हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का समापन हो गया। MSME उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। वाइब्रेट उत्तराखंड और भारतीय मीडिया एंड इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी काफी हद तक अपने उद्देश्यों को साधने में सफल रही। कई राज्यों में आई MSME कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शनी में अपने स्टॉल्स लगाए गए। 3 दिनों तक बड़ी संख्या में लोगों ने कृषि बागवानी के साथ ही ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पादों के बारे में जानकारी दी। समापन अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तीरथ सिंह रावत ने सभी स्टॉल्स पर जाकर उत्पादों के बारे में जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने आयोजकों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है और वो इसे सार्थक भी कर रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित इस प्रदर्शनी में ये सब देखने को मिल रहा है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की झलक भी देखने को मिली। आयोजित G20 सम्मेलन में भी स्थानीय प्रोडक्ट्स की झलक देश दुनिया को दिखाई दी। एक्सपो लगाया गया है, किस तरह की जरूरत है इस समय समाज में, किस तरह की एक्सपो है? अपना ये जो एक संस्था भारतीय और इनके द्वारा जो इसके ओवरऑल संयोजक हैं भारत वालियान जी और उनकी टीम, 3 दिन से यहाँ पे जिस तरह लोगों को एक प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह विजन है और उनका सीधा सीधा कहना नहीं तो करना भी है, वोकल एंड लोकल, अपना भारतीय प्रोडक्ट स्थानीय प्रोडक्ट उसको बढ़ावा देना और स्केल इन इंडिया मेक इन इंडिया वो सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर विभिन्न स्टेटों के अपने जो स्टॉल लगाए यहाँ पे हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, भारत सरकार की भी एजेंसियां इस प्रकार का है, आयुर्वेदा है और भी इस प्रकार और विभिन्न उसमें हैं। इवन सर्वे ऑफ इंडिया का जो कि हमारे लिए मेन जो पूरा एक भारत का क्या और इस तरह का सब दिखता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी संस्थाओं के द्वारा भी यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक जन जागृति अवेयरनेस और वो G20 में भी जो देखा होगा वो भी यही था कि हम स्थानीय प्रोडक्ट जो बाहर के अदर्स कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और वहाँ के लोग आए हैं तो वो ये देखें और फिर इसका उत्पादन जो यहाँ हो रहा है हमारा उसका लाभ लें, तो वही एक छोटा स्वरूप उसका यहाँ पे देखने को मिला है और उसका लाभ सबको लेना चाहिए, हमको मिल रहा है, उसी में मैं आया हूँ। हरीश रावत जी का एक बयान। आयोजक भारत बालियान ने कहा कि प्रदर्शनी में जितनी भी कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे उन्हें यहाँ लोगों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। उनका प्रयास रहेगा कि वो ऐसे ही आगे भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और भी बड़े स्वरूप में प्रदर्शनी लगाएंगे। ऐसी प्रदर्शनियों के जरिए जहां एक ओर स्थानीय उत्पादों को बेहतर मार्केट वैल्यू मिलती है तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं और युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे, हमारे एग्जीबिटर थे और भारत सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के विभागों और विभिन्न विभिन्न कंपनियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस एग्जीबिशन को सफल बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। अब आगे और क्या प्रयास रहेगा? आगे बिल्कुल प्रयास हमारा, हम प्रयासरत है कि हम इस एग्जीबिशन को और बढ़ाएं और इसका रूप बड़ा करें। कैसे हम लोगों तक तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में हर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फूड, इस इंडस्ट्री में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसको उस तक लोगों को कैसे जोड़ पाए, तो एक तो हमारा प्रयास ये है। दूसरे इसके साथ साथ में भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार
अलग अलग राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाएं जो जनता के हित में कल्याणकारी योजनाएं चलती है वो जनता तक कैसे पहुँचे, उसके लिए भी हम प्रयासरत लगातार भारतीय मीडिया इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से देश के अलग अलग राज्यों में प्रयासरत है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके G20 का उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, उसके लिए बधाई के पात्र है, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो उसी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी संस्था भारतीय मीडिया एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इस तरह के एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही है। अभी आने वाले समय में दिसंबर में उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आयोजन है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। और इस तरह के आयोजन जो हमने ये वाइब्रेंट उत्तराखंड एग्जीबिशन के नाम से ऑर्गेनाइज किया है, इसको इस तरह की एग्जीबिशन इन बड़े आयोजन का एक सहयोग करती है, कहीं ना कहीं उनको सहयोग करती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।